दिल्ली दंगों के मामले में विधानसभा पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई कोर्ट बुधवार को करेगा। दिल्ली विधानसभा के शांति और सद्भाव पैनल ने अजीत मोहन को नोटिस जारी किया है। नेपाल के हुमला इलाके में चीन के 9 बिल्डिंग्स के निर्माण करने का नेपाल में जोरदार विरोध शुरू हो गया है। नेपाल में चीनी दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हो गए हैं और गो बैक चाइना के नारे लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर लिया हुआ है जिस पर लिखा है बैक ऑफ चाइना। उन्होंने चीन से मांग की कि नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण बंद करे। मौसम विभाग ने दिल्ली में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार ये बारिश मानसून के मौसम की आखिरी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से बारिश नहीं हुई है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 56,76,011 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,347 नए मरीज मिले। मंगलवार को 1,085 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 90,020 हो गई है। बीते 24 घंटे में 80,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 7 राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली शामिल है। इस बीच सरकार ने कहा है कि अगले 3 महीने संक्रमण के लिहाज से खतरनाक है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। BHU ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान कार्बन एरोजेल हाइड्रोजन स्टोरेज विकसित कर दिखाया है। सरल भाषा में कहें तो सबसे उन्नत फ्यूल टैंक, किंतु टैंक की शक्ल में नहीं वरन कार्बन एरोजेल के रूप में, जो रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को सोख कर स्टोर करेगा। इस तकनीक में अंतरिक्ष मिशन में लंबी दूरी के रॉकेट की गति और शक्ति में कई गुना वृद्धि होगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नव आरक्षी परीक्षण केंद्र जोधपुर द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन अभियान का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 5 किलोमीटर कर्मिकों और 5 किलोमीटर कर्मिकों के परिवारजनों द्वारा पूरा किया गया। इसराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 2,445 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,93,374 हो गई है। यहां एक दिन में 12 मौतों के बाद अब तक कोविड-19 से 1,285 मौतें हो चुकी हैं। कृषि विधेयकों के विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद का आयोजन किसान संगठनों की ओर से किया गया है। इसके लिए 31 किसान संगठन एक साथ आने के लिए तैयार हुए हैं। 25 तारीख के बंद का आह्वान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से किया गया है। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर पायल घोष के साथ यौन शोषण के आरोपों में घिरे बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बहन नेहा कश्यप कानपुर के बहुचर्चित गैंगस्टर विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाने जा रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने बुधवार को यूपी के बागपत जिले में लोकेशन का दौरा किया।